वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज फलकनुमा रेलवे स्टेशन के पास और यहाँ पर आज मैं आप लोगों को कुछ केजेस बतलाने वाला हूँ और क्या क्या है उन सब की डिटेल हम बात करेंगे यहाँ के ओनर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हसन भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हसन भाई, आपका एड्रेस रेलवे स्टेशन फलकनुमा? रेलवे स्टेशन जी हाँ जी। और क्या क्या बतलाने वाले हैं आज आप? पास केजेस है, टोटल 14 केजेस है। 14 केजेस है और एक केज में तीन पार्टीशन है जी। इसमें तीन पार्टीशन आ रहा है अंदर, यानी एक केज ये पूरा कंप्लीट। हाँ, एक केज और इसमें तीन पार्टीशन है। ठीक है, टोटली देखिए एक सेक्शन के अंदर तीन केजेस भी आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन तीनों अटैच है इस वजह से एक है। और आप रैबिट फार्मिंग कर रहे थे जी? पिछले वीडियो में बताए भी थे जी। टाइम की वजह से पूरा टाइम नहीं दे सका उन लोगों को। कैसा है बिजनेस रैबिट? बिजनेस अच्छा है इसका, रैबिट्स का माशाल्लाह। और ब्रीडिंग बहुत फास्ट है। आप खत्म करने की वजह? मेरे पास टाइम नहीं है, जॉब का मसला हो रहा है। अच्छा, क्योंकि ड्यूटी टाइमिंग सुबह 10 बजे से होगी मेरे को जी। तो अभी कुछ रैबिट भी है इसमें जी? रैबिट से 5 रैबिट है मेरे पास। ठीक है, और केजेस ऐसे आपके पास टोटली अगर ऐसे सिंगल गिनेंगे तो काफी ज्यादा हो जाएंगे ना जी? वरना ये तीन के हिसाब में एक है, टोटल 14 है मिला। ऐसे 14 है? 14 है। ओके, तो ये दो है आपके पास, और कौन से हैं यहाँ पर? ये डबल वाले, ये अलग अलग है, ट्रे सिस्टम के साथ है पूरा। अच्छा, ये सिंगल सिंगल है? अलग अलग, ये सिंगल सिंगल स्टैंड पे फिट करे हुए हैं। अच्छा, अच्छा, यानी ये काउंटिंग भी एक की है? दो का एक, दो का एक है। हाँ, तो 14 कौन से आपके पास? ये दो चार इधर हो, 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 बाहर दो बाहर। अब ऐसे अगर सिंगल गिनेंगे तो 13 14 15 16 17 18 हो जाएंगे। इसीलिए पूरा एक में काउंट कर जाते हैं। अगर ये सिंगल सिंगल के हिसाब से देखेंगे तो वो भी सिंगल से 18 हो जाएंगे। ठीक है, ये भी स्टैंड पे फिट करे हुए? पूरा स्टैंड में फिट करे हुए, और पॉट्स और ये आपको बास्केट्स इसके साथ ही दे दूंगा पूरा। इसमें पार्टीशन भी है बीच में? पार्टीशन बीच में अलग रैबिट के हिसाब से है। तो देखिए यहाँ पर बीच में पार्टीशन, सिंगल रैबिट का सिंगल अलग सिंगल, और इसमें पाइपिंग वगैरह भी लगी हुई है। पूरा पाइपिंग के साथ दे दूंगा, पूरा कंप्लीट है, पूरा स्टेट के साथ देंगे। रैबिट्स कौन से इसमें? न्यूजीलैंड रैबिट है, डच है, ये डच भी है, और नॉर्मल भी है। नाम जो है मैंने, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन ये भी एक न्यूजीलैंड रैबिट है। ये कम्प्लीटली 5 मेल्स है या फीमेल्स? फीमेल्स है, फीमेल्स है। और अभी पूरे खाली है? पूरे खाली। देखिए फीडिंग ऐसे होती है, यानी अगर आप पानी का पाइपिंग ऐसे लगा दिए तो पानी ख़राब नहीं होता और कंटिन्यू यहाँ टब से पानी जाता। और ये 5 रैबिट मिला के आप ये कम्प्लीटली 18 केजेस क्या प्राइस में देंगे? 17,500। और इसमें नेगोशिएबल भी रहेगा? बिल्कुल, स्लाइटली बहुत कम कर सकते, ज़्यादा नहीं। यानी पूरे सेट करे हुए हैं, पाइपिंग वगैरह सब है, कोई भी अगर करना है तो इन रैबिट बास्केट्स वगैरह सब पॉट्स है इसके अंदर, आपको पॉट्स भी आ जा रहे हैं पूरे। अच्छा, सभी में पॉट्स? आप लेने के एक पॉट आपको 30 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये पॉट, आपको एक पॉट पूरा मैं आपको साथ में दे दे। कोई कॉन्टेक्ट नहीं। और सभी की पाइपिंग वगैरह है आपके पास अवेलेबल? नहीं, इसी के बस, उसकी नहीं है, करने का है। के है, और यहाँ पर 3 केजेस में है बाहर वालों को, तो लोगों नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ रैबिट्स लाना है और ब्रीडिंग स्टार्ट करना है। तो ये अगर देंगे तो गाइड भी करेंगे आप? इंशाल्लाह करूंगा। कैसे कैसे करना है? कितने दिन में कितने बच्चे देते हैं? 1 मंथ में लोग, अब उसके ऊपर कैपेसिटी के ऊपर, कभी कोई 5 देता, कोई 9 भी देते लोग। अच्छा, कोई 4 भी देते, फिर एक भी देते। एक बार बच्चे देने के बाद फिर कितने? फर्स्ट टाइम जो बासों का रेल गया होता है, फर्स्ट टाइम पे 5 6 भी देते लोग। सेकंड टाइम में ज्यादा चांसेस रहते, 5 4 5 5 के ऊपर ही आते। पहली और दूसरी बार में कितना फर्क आता टाइम का? यानी आज अगर बच्चे दिए तो फिर नेक्स्ट मंथ, 2 मंथ के अंदर फिर बच्चे आ जाएंगे। और क्या रेट में सेल होते बच्चे? जी, बच्चे क्या रेट में सेल होते? 250 में एक जाता, 200 250 में चल जाता। अच्छा, 30 डेज का। ओके, और ये होलसेल प्राइस में जाता? होलसेल प्राइस बल्क में जो लेते, रिटेल में दिए तो और भी जाता। बिल्कुल, तो ये बेनिफिट है। और अगर 10 फीमेल्स और इसके लिए मेल एक चाहिए बस? जी, एक मेल, 10 फीमेल के लिए एक मेल, एक मेल काफी है। तो काफी ज्यादा बेनिफिट रहेगा। देखिए 2 मेल्स और काफी सारे फीमेल्स आप रख और पूरे यंग है ऐसे पूरे, यानी ज्यादा क्लस रहेंगे, सेकंड क्लस DSO है लोग अभी। अच्छा, अब ये 3rd क्लस के लिए रहेंगे क्योंकि घर के हैं पूरे बच्चे जी। ठीक है, तो 17,500 में कम्प्लीटली केजेस है, 18 केजेस। और ये जो बर्ड्स है आपके पास, ये भी निकालना है पूरा लॉट। बजेस कितने हैं इसमें? है पूरा, अभी ये तो ब्रीडिंग अंडों पे है ये वाले। अच्छा, और ये वाले पट्टे हैं जी? पट्टे कितने हैं? टोटल 15 है ये, ये और मिला के 15 है टोटल। 15 बजेस है आपके पास जी? और क्या प्राइस है इन स्लॉट का?
4,500 में पूरा अलॉट दे देंगे 15 बजे इसका, ठीक है। और इसमें कुछ कम भी करेंगे? कुछ कर दूंगा इन, चलिए थोड़ा बहुत नेगोशियबल भी हो जाएंगे आपके पास। और क्या है आपके पास? अफ्रीकन बर्ड्स हैं, अफ्रीकन बर्ड भी है, चलिए ये है अफ्रीकन बर्ड्स आपके पास और अंडों पे है। इसमें टोटल तीन है, इसमें दो है इसमें एक है। अच्छा, इसमें दो बर्ड्स है और इसमें एक है सिंगल, ठीक है। और ये केज है आपके पास, देने का बॉक्स केज पूरा मिलेगा। अच्छा, बॉक्सेस भी मिल जाएंगे, फीडिंग पॉट भी है इसके अंदर, पानी के लिए बोल्स भी है। कंप्लीटली ये पूरा सेट देंगे आप कितने में देंगे? 4,500 में केज के सेट के साथ में सील बर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है। और भी बजेस है आपके पास, कोई अगर इंटरेस्टेड है तो देंगे? नहीं, ये ब्रीडिंग के लिए है मेरे। अच्छा, ये ब्रीडिंग पर्पस के लिए, देखेंगे इंशाल्लाह। पूरी कॉलोनी बनी हुई है, ठीक। चलिए इंशाल्लाह इस तरह काफी सारे अपडेट्स बताऊंगा मैं आप लोगों को। डिस्क्रिप्शन के नंबर पे कॉल कीजिए, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।